ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 22 दिसंबर 2018, शनिवार का दिन है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दत्त जयंती दत्त पूर्णिमा के रूप में इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का विशेष पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। भगवान दत्त के जन्म उत्सव की कथा हमने आपको एक वीडियो में प्रस्तुत की है, उसको आप अवश्य देखिएगा। इस दिन भगवान दत्तात्रेय जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त रूप में हैं, उनका पूजन अर्चन करके उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाती है, कथा भी श्रवण की जाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है और पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। मृगशिरा नामक नक्षत्र रहेगा और वृषभ राशि में चंद्रमा दोपहर 12:52 तक, उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशा शूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी रहता है। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में चंद्रमा दोपहर 12:52 तक वृषभ राशि में, उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कुंभ राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि देव धनु राशि में, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार ये 7 लकी राशियां रहने वाली है। वृषभ कन्या वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, इनको सबसे ज्यादा जो है लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इनको कोई नई सौगात भी मिल सकती है। इनका प्रभाव बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में इनका सबसे ज्यादा जो है ओहदा इनको प्राप्त हो सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आप कुछ मामलों में परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको सभी कामों में संभल करके चलना होगा। आज आपके जीवन में क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा नहीं होगा और आपको कैरियर के क्षेत्र में कई प्रकार के जो है उपलब्धि प्राप्त होने वाली है और आज आपको काम का बोझ हालांकि ज्यादा रहेगा। आपके उत्साह से लोग खुश रहेंगे, धन लाभ होगा। हर हालत में अपना व्यवहार आपको पॉजिटिव रखना होगा। आज की मेहनत आने वाले दिनों में आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों से सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है। सामाजिक मुलाकातों में आप सफल रहेंगे। आमदनी आपकी बढ़ेगी। डेली रूटीन से धन लाभ और फायदा होगा। संतान की सफलता से खुशी मिलेगी। आपसे जुड़े लोग अपने कामों में सफल होंगे। आज आप जो है विशेष रूप से कोई भी जल्दबाजी में काम न करें। किस्मत के भरोसे बिल्कुल न रहे, मेहनत से काम आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि छोटी कन्याओं को आप मिठाई खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आपको जो है कुछ लोगों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कुछ मामलों में दिन बहुत अच्छा है, कुछ मामलों में संभल कर रहने की भी जरूरत होगी। धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र आपका उपलब्धिपूर्ण रहेगा। धन कमाने के कुछ अच्छे मौके भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे और ज़्यादातर काम आपके समय पर पूरे हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी दोस्त की मदद से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। पुराना चला हुआ जो काम है या अटका हुआ काम है या रुका हुआ कोई भी ऐसा कार्य है जो आज सफलता की ओर बढ़ने लगेगा और उससे आपको खुशी भी मिलेगी। आपको सम्मान और धन दोनों ही प्राप्त हो सकता है और कैरियर के लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप मछलियों को दाने डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। बेचैनी और घबराहट आपको थोड़ी हो सकती है, लेकिन कार्यक्षेत्र के लिए दिन उपलब्धिपूर्ण रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको कुछ अचानक धन लाभ का योग बन सकता है और यदि आप नौकरी में हैं या अन्य कोई भी काम आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा लाभ मिलेगा जिसके कारण मन आपका प्रसन्न रहेगा। किसी काम को किस्मत के भरोसे बिल्कुल न छोड़े। जो समस्या आएगी उनका स्वतः ही निदान भी आपको मिल जाएगा।
कुछ तनाव और दबाव की स्थिति आपके ऊपर रहेगी, लेकिन आप जल्द ही उससे उबर भी जाएंगे। समाज और कार्यक्षेत्र में बड़े लोगों से आपको सम्मान प्राप्त होगा। किसी कठिन काम में आपको मदद प्राप्त होगी और किसी प्रकार से आपको विशेष लाभ भी मिल सकता है। उपाय के रूप में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन या भोजन की कोई भी वस्तु दान करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपके स्वभाव के कारण लोगों से आपको फायदा होगा और वह फायदा आपको दूरगामी भी होगा और आने वाले दिनों में भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको कुछ ऐसे अवसर भी प्राप्त होंगे जिनका आपको फायदा लेना होगा। समय के साथ अपने प्लान में आप बदलाव कर लेंगे तो फायदा होगा। अपनी योजना पर फिर से विचार करें और कार्यक्षेत्र के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। मेहनत और कोशिश आप करते रहें, थोड़ा बहुत विचार करके ही फैसला करें, आपको फायदा जरूर होगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, बिजनेस और नौकरी में सफलता मिलेगी, कामकाज आपका बड़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में छुटपुट परेशानियां या कुछ ऐसी जो है चूक आपसे हो सकती है जिसके कारण आपको तनाव और दबाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। और उपाय के रूप में यदि आप दूध से बनी कोई भी मिठाई अपने घर के देवी देवताओं को चढ़ाएंगे और प्रसाद बांटेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आप उदार रहेंगे, आपका दिल बड़ा रहेगा और कुछ लोगों की मदद भी आप करेंगे जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आज आप गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचने की कोशिश करें वरना आप नुकसान में जाएंगे। आज आपको कुछ मामलों में संभल कर रहने की जरूरत पड़ेगी। नजदीकी दोस्तों से संबंधों में सुधार होगा। आसपास के लोगों और उनकी जरूरतों पर आपको ध्यान देना होगा। परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और उपाय के रूप में एक लाल फूल यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपको जो है छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है, जरूरी काम आप निपटा लेंगे। कुछ मामलों में जल्द ही आपको जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य, परिवार, व्यवसाय और प्रेम आदि मामलों में विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में किसी दोस्त की आपको मदद मिलेगी। आसपास और साथ काम करने वाले लोग आपके ऊपर भरोसा भी करेंगे। कुछ लोग आपसे प्रभावित रहेंगे और अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप शनि देव के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए फैसला लेने वाला दिन रहेगा। किसी भी शक और संदेह से आपको बाहर निकलना होगा। वहीं आज आपको अपनी राय पर मजबूती के साथ कायम रखना चाहिए। अपने स्वभाव में आपको फिसलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जो भी काम करें स्थिरता से करें। आपके स्वभाव की सबसे खास बात संतुलित रहना है। इस वजह से आज आपके कुछ खास काम भी पूरे हो जाएंगे और कुछ मामलों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त हो सकती है। उपाय के रूप में यदि आप सफेद रंग का एक रुमाल अपने साथ लेकर निकलेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए समय महत्वपूर्ण है, दिन उपलब्धि कारक है। आपका स्वभाव आपके अनुकूल रहेगा और इससे आपको फायदा भी होगा। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में रहेंगे। कुछ मामलों में तो आप बहुत ही पावरफुल रहेंगे। आपका प्रभाव बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धि बढ़ सकती है। नए विचार पूरे दिन आपके दिमाग में चलते रहेंगे। खरीदारी करने का मन भी आप बना सकते हैं। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि सरसों के तेल का आप दीपक लगाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको आसपास के लोगों से मदद मिलेगी और कोई काम ऐसा है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, वह आपका पूरा होने वाला है। वेतन वृद्धि या प्रमोशन का संकेत भी आपको मिल सकता है। किसी निवेश का फायदा भी आज को मिल सकता है और साथ ही किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। जीवन शैली में बदलाव करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। व्यवहार और अपनी उदारता से आप कुछ लोगों का दिल भी जीत लेंगे। बहुत से लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे जिससे आपको सीधा फायदा होगा। रिश्तों और पैसों को लेकर के आप ज्यादा ही संवेदनशील रहेंगे। जमीन जायदाद के कामों में फायदा होगा। आज आपको जो है विशेष रूप से बुजुर्ग, वरिष्ठ या कोई सीनियर व्यक्ति की मदद से कोई काम भी पूरा होने वाला है। और उपाय के रूप में चने की दाल यदि आप किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आपके लिए कुछ खास काम होने वाले हैं।
जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचे। इसके साथ ही शक पर आपको कंट्रोल करना होगा, अर्थात शक बिल्कुल न करें। आज आप नौकरी कार्यक्षेत्र में विशेष भाग्यशाली रहेंगे। कुछ नई सौगात आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में नई प्लानिंग आपकी हो सकती है। इसके अलावा कोई ऑफर भी आपको मिल सकता है। और उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में गंगा जल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपको जो है आसपास से आने वाली परेशानियों संभलने की या उनसे निजात पाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा। कोई ऐसी आपको आदत लग जाएगी जिसके कारण आपको फायदा हो सकता है। साथ ही कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। धन लाभ के उत्तम अवसर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा घर में मांगलिक या फिर कोई ऐसा काम होगा जिसके कारण घर में खुशी का माहौल निर्मित हो सकेगा। लेकिन कुछ पल के लिए आप तनाव में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। आपको संभल करके काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या फिर कोई मिठाई का दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और योजनाएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बदली हुई परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी। सुबह तो आपको लगेगा कि आपके कुछ काम बन ही नहीं रहेंगे, लेकिन शाम आते आते आपके ऐसे कुछ काम बन जाएंगे जिसके कारण पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात भी होगी। घर में मेहमानों का आगमन भी हो सकता है। इसके अलावा आपको यात्रा का कहीं प्रोग्राम भी बन सकता है या कहीं आप जा भी सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप विष्णु भगवान के मंदिर में या कृष्ण भगवान के मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगा देंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।